हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल लर्न मैथ्स स्टैंडर्ड 1 चैप्टर नंबर 4 वर्क बुक। ओके, चैप्टर नंबर 4 में वर्क बुक हम देखेंगे पेज नंबर 89 पे। पेज नंबर 89 निकालो आप लोग एंड फिर वहीं पे क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट एंड मैच। पहले हमें सब्ट्रैक्ट करना है एंड फिर हमें क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन दिया है 8 माइनस 2, तो 8 में से 2 सब्ट्रैक होगा तो कितना होगा, तो यहाँ पे हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉल्स बनाए। फिर हम क्या करेंगे, 2 सब्ट्रैक करेंगे यानी कि 2 पे क्रॉस कर देंगे, तो बचे कितने, तो कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आंसर होगा 6। 8 में से 2 सब्ट्रैक होगा तो आंसर होगा 6, तो आपको यहाँ से ढूंढना है तो कि 6 कहाँ पे है, तो कि यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे मैच करना है। फिर 9 माइनस 6 क्या है, 9 माइनस 6, तो आपकी उंगली में देखो यहाँ पे 9 कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए, उसमें से हमें 6 सब्ट्रैक करना है, तो 1 2 3 4 एंड 5 6, तो कितने हो बचे, 3 बचे, तो यहाँ पे हमें ढूंढना है 3 कहाँ पे है, तो कि यहाँ पे है, तो आपको वहीं पे मैच करना है। उसके बाद यहाँ पे 3 है तो 1 2 3, उसमें से 1 सब्ट्रैक, 1 सब्ट्रैक यानी कि 1 उंगली कट, तो कितना हुआ, 2, तो यहाँ पे 2 आंसर कहाँ पे है, तो कि ऊपर है, तो यहाँ पे मैच करना है। फिर 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए अब, तो कि उसमें से हमें 2 सब्ट्रैक करना है, तो कि 1 2 2 सब्ट्रैक कर दिया, तो कितना बचे, तो कि 5 का 5 एंड 6 7, कितने बचे, 7, तो आपको 7 ढूंढना है, तो कहाँ पे है, यहाँ पे मैच कर दिया। फिर 4 में से 4 सब्ट्रैक, तो 1 2 3 4, 4 में से 4 सब्ट्रैक, 1 2 3 4, तो कितना हुआ, 0, तो 0 कहाँ पे है, यहाँ पे। फिर 8 में से 4 सब्ट्रैक करना है, तो कि 8 कहाँ पे है, तो कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, उसके बाद उसमें से हमें 4 सब्ट्रैक करना है, तो कि 1 2 3 4, 4 सब्ट्रैक कर दिया, बचे कितने, तो कि 1 2 3 4, कितने बचे, 4, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 पे मैच करना है। फिर 9 माइनस 1, तो कि 9 कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए, उसमें से 1 डिजिट सब्ट्रैक करना है, तो कि 1 सब्ट्रैक किया तो कितने बचे, तो कि 5 का 5 6 7 8, कितने बचे, 8, तो 8 कहाँ पे है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। फिर 2 में से 1 सब्ट्रैक, 1 2 2 में से 1 सब्ट्रैक, तो कितने बचे, 1, तो 1 कहाँ पे है, यहाँ पे 1। फिर 7 में से 2 सब्ट्रैक, तो 7 कहाँ पे, 5 6 7, 7 में से हमें 2 सब्ट्रैक करना है, तो कि 1 2 2 सब्ट्रैक कर दिया, तो कितने बचे, 5, तो 5 कहाँ पे है, यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी मैच करना है ऐसा ही, तो कि 9 माइनस 5, तो 9 में से 5 सब्ट्रैक कैसे होगा, पहले तो ये 9 है, उसमें से हमें 5 सब्ट्रैक, तो ये जो 5 उंगली है, तो 5 उंगली सब्ट्रैक कर दी, तो कितने बचे, 4, तो 4 आपको यहाँ से ढूंढना है, यहाँ पे 4 है। 8 में से 1 सब्ट्रैक करना है, तो ए है हमारा 8, ए हमारा 8 है, 8 में से हमें 1 सब्ट्रैक करना है, तो 1 सब्ट्रैक कर दिया, ए 1 सब्ट्रैक कर दिया, तो कितने बचे, 5 का 5 6 7, 7 बचे, तो 7 कहाँ पे है, यहाँ पे। 5 में से 5 सब्ट्रैक करना है, तो पहले तो 1 2 3 4 5, 5 में से 5 सब्ट्रैक, 1 2 3 4 5 यानी कि 0। फिर 4 में से 3 सब्ट्रैक, तो 4 कहाँ पे, 1 2 3 4, 4 में से 3 सब्ट्रैक, 1 2 3, तो कितने बचे, 1, तो यहाँ पे आपको 1 यहाँ पे है। 8 में से 5 सब्ट्रैक, तो ए है आपका 8 एंड उसमें से 5 सब्ट्रैक, तो कितने बचे, 1 2 3, अब उसमें से 9 में से 3 सब्ट्रैक, तो ए है आपका 9, 5 6 7 8 9, 9 हो गए, उसमें से आपको 3 सब्ट्रैक करना है, तो कि 1 2 3, 3 सब्ट्रैक कर दिया, कितने बचे, तो कि 5 का 5 एंड 1 6, यानी कि 6 कहाँ पे, यहाँ पे।
फिर सिक्स में से वन सबट्रैक्ट करना है, तो सिक्स कहाँ पे है, फाइव एंड वन सिक्स, सिक्स में से हमें वन सबट्रैक्ट, तो ये वन है उसको सबट्रैक्ट कर देते, तो कितने बचे, फाइव। फिर एट में से जीरो सबट्रैक्ट, तो एट है ये, तो एट में से जीरो सबट्रैक्ट, जीरो का यानी कि कुछ सबट्रैक्ट करना ही नहीं है, तो बचे कितने हैं, तो कि एट के एट ही बचे, कुछ सबट्रैक्ट करना ही नहीं है, तो बचेंगे एट का एट ही, इटसेल्फ आंसर होगा। फिर नाइन में से सेवन सबट्रैक्ट, ये है आपका नाइन, उसमें से हमें सेवन सबट्रैक्ट, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो कितने बचे, टू। टू कहाँ पे है, यहाँ पे, हो गया कंप्लीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन है पेज नंबर 9090 पे, उसमें क्या दिया है, सबट्रैक्ट करना है, तो पहले बॉल्स दिए, बॉल्स में से फाइव बॉल्स दिए, टोटल कितने, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव बॉल है, एंड कितने पर क्रॉस है, तो कि वन टू थ्री फोर, फोर पे क्रॉस है, तो बचे कितने, तो कि वन, यहाँ पे भी फाइव में से फोर सबट्रैक्ट, वन, तो ये ऐसे ही एज इट इज आपको यहाँ पे करना है। तो ये जो पेज नंबर 90 पे जो दिया है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, वो आपको अपने हिसाब से करना है। फिर क्वेश्चन नंबर एट में सबट्रैक्ट दिया है, तो सबट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो कि फाइव में से थ्री सबट्रैक्ट करना है, तो हमने अभी किया था ना कि ए फाइव है, इसमें से वन टू थ्री, थ्री सबट्रैक्ट करते तो कितने बचे, टू बचे। फिर एट में से फोर सबट्रैक्ट करना है, तो कि ए है हमारा एट, इसमें से फोर सबट्रैक्ट, वन टू थ्री फोर फाइव फोर, तो कितने बचे, फोर। उसके बाद फोर में से फोर सबट्रैक्ट, ए फोर है, फोर में से फोर, वन टू थ्री फोर, तो कितने बचे, जीरो। फिर नाइन में से वन सबट्रैक्ट करना है, ए है आपका नाइन, इसमें से वन सबट्रैक्ट करते हैं, तो कितने बचे, तो कि फाइव का फाइव, सिक्स सेवन एट, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे एट। फिर सेवन में से सेवन सबट्रैक्ट करना है, तो सेवन कौन है आपका, ए है आपका सेवन, एंड सेवन में से सेवन सबट्रैक्ट करना है, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो आंसर इज ज़ीरो, कुछ नहीं बचा हमारे पास। फिर सिक्स में से थ्री सबट्रैक्ट करना है, तो सिक्स से है आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, उसमें से हमें थ्री सबट्रैक्ट करना है, वन टू थ्री, तो कितने बचे, थ्री बचे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे थ्री। पर सेकंड में नाइन में से सेवन सबट्रैक्ट करना है, तो सेकंड है वो आपका पेज नंबर 8191 पे, सेकंड ये जो पार्ट है ना वहीं पे है, ये जो फर्स्ट रो हमने ली है, फिर सेकंड जो थर्ड है वो आपको अपने हिसाब से करना है, वैसे प्रैक्टिस टाइम है। नाइन में से सेवन सबट्रैक्ट, तो पहले आपका पास नाइन कहाँ पे है, इतने नाइन है, उसमें से हमें सेवन सबट्रैक्ट करना है, तो कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो कितने बचे, टू बचे, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे टू। फिर सेवन में से थ्री सबट्रैक्ट, तो फाइव सिक्स सेवन, सेवन में से थ्री सबट्रैक्ट, वन टू थ्री, थ्री सबट्रैक्ट किया, तो कितने बचे, फोर बचे, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर। फिर नाइन में से ज़ीरो सबट्रैक्ट करना है, ए हमारा नाइन, नाइन में से ज़ीरो, ज़ीरो हमें वैल्यू यानी कि कुछ है ही नहीं, तो कुछ सबट्रैक्ट करना ही नहीं है, तो आंसर हमारा एज इट इज़ रहेगा, यानी कि नाइन का नाइन ही रहेगा। उसके बाद सेवन में से वन सबट्रैक्ट करना है, तो फाइव सिक्स सेवन, सेवन में से वन सबट्रैक्ट करना है, तो हमारा बचा क्या, सिक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिक्स। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन में भी ऐसे करना है, यहाँ पे हमें बॉक्स दिए है, तो बॉक्स को हमें क्या करना है, आंसर लिखना है वहीं पे, तो कैसे लिखेंगे, तो कि एट में से हम कितना सबट्रैक्ट करेंगे, तो फाइव बचेगा, तो पहले तो हम क्या करेंगे, एट है हमारे पास, एट है, उसमें से हमें फाइव कट करने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, तो कितने बचे, थ्री, यानी कि एट में से थ्री सबट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर फाइव आ सकता है। फिर यहाँ पे हमारे पास है टू, यहाँ पे कितने डिजिट रखेंगे, तो उसमें से टू सबट्रैक्ट, कोई भी डिजिट हम रख सकते हैं, यहाँ पे सिक्स रखेंगे, तो सिक्स में से टू सबट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा फोर। उसके बाद है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है थ्री, तो आपको यहाँ पे लिखना है फाइव, क्या लिखना है, फाइव। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, तो कि बॉक्स दिया है, बॉक्स में हम कितना रखेंगे, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी आंसर है ज़ीरो, तो नाइन में से कौन सा हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर ज़ीरो आएगा, तो यानी कि ज़ीरो में से, हमने यहाँ पे भी ऐसा किया था, ज़ीरो आंसर कब आया था, जब सेम डिजिट होता है तब हमारा आंसर ज़ीरो आता है,
तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट 0। अब 6 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 4 आ सकता है, तो के 2। 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 4। 7 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ सकता है, तो कि 1। 7 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर हमारा 6 आ सकता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट है, 8 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ सकता है, तो कि 8 है, हमने यहाँ पे भी किया था, 8 है यहाँ पे, तो 8 में से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा कितना 4, तो यहाँ पे हमारा आंसर 4। आगे वाला डिजिट नहीं है, उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 1 आ सके, तो उसके हमारा आफ्टर नंबर यानी कि उसके पहले नंबर 6 नंबर 5 से आगे वाला नंबर लिखना है, यानी कि 5 में से 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर इज 1। 7 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 6 आ सकता है, तो कि 1। फिर यहाँ पे तो कि कितना डिजिट सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 1 करेंगे तो आंसर इज 8 आ सके, तो 9। 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर 8 आ सकता है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे तो कितना है हमारा नंबर्स, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 6 आ सके, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 6। फिर यहाँ पे 5 दिया है, 5 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ सके, तो के 4, उसके बिफोर नंबर। 7 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 0। तो यहाँ पे देखा था सेम सेम डिजिट का जो डिजिट होता है उसका सब्ट्रैक्शन ऑलवेज 0 होता है। 7 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 होता है, तो 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 5 होता है। तो आपको ये जो बाकी बचा है वो आपको अपने हिसाब से करना है, उसके आगे हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।